Good morning students, this is for class 2 subject science. We will start the chapter and the chapter name is plants around us. मतलब पौधे हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे. Plants around us are of different types. हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं. Plants का मतलब क्या होता है? पौधा. अराउंड चारों तरफ, डिफरेंट अलग, टाइप्स प्रकार. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर्स. वे अलग अलग प्रकार में आते हैं, उनके अलग अलग आकार होते हैं. शेप्स का मतलब आकार, साइज को भी हम आकार ही कहते हैं, और कलर का मतलब रंग. उनके अलग अलग आकार होते हैं और अलग अलग रंग होते हैं. लेट्स नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. चलिए हम अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है? ट्रीज. ट्रीज का मतलब तो सब जानते हैं. ट्रीज किसे कहते हैं? पेड़ को. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और लंबे जो पौधे होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं. बिग मीन्स बड़े, टॉल लंबे. बड़े और लंबे पौधे जो होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उनके पास क्या होता है? एक हार्ड. हार्ड मीन्स कड़ा. स्ट्रॉन्ग मजबूत. मजबूत तना होती है स्टेम का भी, तना. कॉल्ड ट्रंक, जिसे हम तना भी कह सकते हैं और सूंड कह सकते हैं. द ट्रंक इज डिवाइडेड इंटू मैनी ब्रांचेस. जो तना होती है पेड़ की, उन्हें बहुत ब्रांचेस यानी कि शाखाओं में बांटा गया है. शाखाएं. ब्रांचेस का मतलब शाखाएं होती है. जो पेड़ का जो तना होता है उन्हें बहुत सारी शाखाओं में बांटी होती है. द ब्रांचेस बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो शाखाएं होती है वो क्या क्या है, उन पे क्या क्या होते हैं? पत्ते, फूल और फल. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. पेड़ बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सालों तक. ट्रीज आर होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स. जो पेड़ होते हैं वो बहुत पंछियों और पशुओं का घर होते हैं. जैसे कि एक तो गिलहरी. गिलहरी हमेशा हम पेड़ पे ही देखते हैं, सो इसे हम बॉक्स में डाल लेते हैं. और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह आप लोग याद कर लोगे. और देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं. यहाँ एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है, व्हाट इज ट्रंक. तो ट्रंक क्या होगा? प्लांट्स हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ठीक है, तो आप ये दोनों अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे.